गुड इवनिंग गाइस, नाइस टू मीट यू अगेन। बात चली है, चलते हैं एक रुपये लेके चलते हैं वहीं से। लेट्स गो फॉर इट। लेके चलेंगे अपनी स्कूटरी। नहीं बड़ी त्यौहार है होली। है भारत का प्रसिद्ध और प्रमुख त्यौहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का यह त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। आज कुश्ती के दंगल और होलिका दहन होगा। देखिए बनाने के लिए हमारा पूरा गाँव यहाँ मौजूद है। ये देखिए हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हर बार होली बनाई जाती है। ये हमारी पुरानी जनरेशन है, शर्मा रही है थोड़ी कैमरे पे आने के लिए बता। पर धीरे 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 थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि ये भी मोटिवेटेड हो। और ये देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा नया बस स्टैंड बन रहा है, कादमा बस स्टैंड। अभी इसका उद्घाटन नहीं हुआ है। यहाँ पे अभी छोटे बच्चों की कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है, आस पास 10-10 रुपये वाली। ये हमारे देखिए हमारे कादमा गांव के यूथ है। ये हमारे प्रदीप सराव का भाई साहब ठेकेदार। ये हमारे भाई साहब अरे सोनू पहलवान जी। तो मैंने सभी को इंट्रोड्यूस करा। ये हमारा और भाई भेजा अरे हिरेंद्र भाई साहब, अरे सभी बंडी भाई साहब, ये सभी मौजूद आज। हमें गर्व, हमारी पूरी जनरेशन देखिए धूमधाम से होली के पर्व को बनाने के लिए एक साथ यहाँ। होली के त्यौहार के पर्व की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी ग्राम पंचायत कादमा द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। ये देखिए और यहाँ पे देख सकते हैं कैमरे के ऊपर छोटे बच्चों की कुश्ती हो रही है अभी। तो पूरे गांव से सभी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुश्ती का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, देखिए हमारे सरपंच साहब, जिला परिषद भाई साहब सभी पहुँचे हुए हैं और सारे गाँव ग्रामवासी है। और ये हमारे गांव की युवा देखो ऊपर बैठी। तो आपको दिखाते हैं आज की कुश्ती के दंगल हरियाणा की। ये हमारे प्रधान जी हैं। खेलों में बच्चों की रुचि को बरकरार रखने में इनका बड़ा योगदान है। हमें भी झिपड़ी में आसपास के गांव में ले जाते थे खिलाने के लिए। अरे देखिए छोटे बच्चों की कुश्ती, पहली कुश्ती है शायद दंगल की। अभी तो वार्म अप कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे दंगल कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, हमारे कल्चर है। पहले से समाप्त हो चल रहा है पर सभी का सहयोग है। अब की बार थोड़ा कोऑपरेट करके बहुत अच्छा किया गया। नए नए बच्चे ग्राउंड पे उतर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। हम भी इसको प्रमोट करते हैं जहाँ तक हम वो कर सकते हैं। 50 रुपये की कुश्ती के लिए देखिए बच्चे ग्राउंड पे उतर चुके हैं। ये देखिए 100 रुपये की कुश्ती के पहलवान बहुत ही अच्छा दमखम दिखा रहे हैं। देखिए नए बच्चे धीरे धीरे ग्राउंड पे उतर रहे हैं कुश्ती की तरफ। बहुत ही प्रेम कुश्ती प्रेमी। बहुत बढ़िया भाई। कैमरा पावर ट्रेनिंग रामफल दादा आई ने अपनी जीत हुई राशि वो मान सम्मान दिया। 200 रुपये कुश्ती स्टार्ट हो चुकी है। देखो देखते हैं क्या कुछ रहता है। You got it.
ये तो पहले ही कर दिया भाई, ये तो पहले बाउट में सीधे मार दिया। मैं भी कुछ दम कम देखने को नहीं मिला इसके अंदर। ये दोस्तों ही कुछ थी है, ये लास्ट बंदा बचा हुआ था सतनाली से भाई, ये खादवा से। सतनाली कादमा की एक साइड कादमा और सतनाली ये 500 रुपये कुश्ती बहुत ही अच्छी रही। और ये देखिए हमारे गांव की ज़्यादातर जनता जनार्दन यहाँ पे पहुँच चुकी है। और यहाँ पे देखिए कुश्ती दंगल मैदान दर्शकों से पूरा भर चुका है। ये देखिए 1100 रुपए की कुश्ती चलते हुए, और ये देखिए पूरे गांव के अंदर मार दियो। उड़ना आया तो उड़ना आज की उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ले रही बा।
1100 रुपये की कुश्ती में दोनों पहलवान बराबर रह गए। इन्हें एक्स्ट्रा टाइम भी दिया गया 5 मिनट का, फिर भी कोई निष्कर्ष निकल न पाया। फिर ये देखिए आखिर में मेड़ा पाट गए। अभी कमेटी टीम की तरफ देखते हैं क्या निर्णय रहता है। ये देखिए सोनू पहलवान भाई साहब दूसरा प्लेयर इन वेट में थोड़ा हैवी था वरना ये जीत जाता। ये देखिए हमारे पूर्व सरपंच ट्रकू भाई साहब, बच्चों का इनके प्रति प्रेम देखा जा सकता है। इन्होंने गांव के लिए बहुत से कार्य करवाए हैं। आज का मेला देख के बहुत मजा आया है, बहुत ही अच्छी कुश्ती हुई है। पूरा ब्लॉग रीड होने के बाद में आप पूरा देख सकते हो, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब। देखिए हमारे कादमा गांव की तरफ से भी हमारे YouTube चैनल को फुल सपोर्ट मिल रहा है। YouTube के माध्यम से हमसे ऐसे ही कनेक्टेड रहे, हम हरियाणा कल्चर को ऐसे एक्सप्लोर करते रहेंगे। का सीजन पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, ये खत्म होने के बाद में यहाँ पे पूरे गांव में से उपले लेके आए जाते हैं।
उनको यहाँ पे इस तरह से देखिए नाल के द्वारा यहाँ पे बांधा जाता है यहाँ पे, और इस तरह से अभी कुछ समय बाद में पूरे गांव के लोग और लेके आएंगे इस तरह से सामान अपने अपने घर से, और यहाँ पे होली का दहन किया जाएगा। आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहें, सारा दिखाते हैं कुश्ती के और ये सारे ब्लॉग्स जल्द ही यूट्यूब चैनल पे होंगे। अभी 7:21 हो चुके हैं, कुछ समय बाद में पूरा गांव यहाँ मौजूद होगा, आपको सोच दिखाते हैं। तब तक के लिए हम आपको होली का पर्व क्यों बनाया जाता है इसके बारे में बताएंगे। जो कनेक्टेड विदर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग और कल्चरल वीडियो देखने के लिए हरियाणा की प्लीज सब्सक्राइब चैनल नेक्स्ट हरियाणा। अभी देखिए लंबे इंतज़ार के बाद में हमारे ग्रामवासी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और अभी हमारे सरपंच साहब और जिला परिषद भाई साहब के द्वारा यहाँ पे पूजा स्टार्ट की जाएगी होलिका की, उसके बाद में होली दहन किया जाएगा। आप लगातार जुड़े रहें और देखते रहें होली 2023 के पावन पर्व के बेहतरीन ब्लॉग को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सेठ जी भाई से हमारी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, पूरे गांव से यहां पे लोग देख ही पहुंच रहे हैं। ये परंपरागत रूप से जारी हो रही है, ये हमारा जो हमारे गांव में चल रहा है कुछ ही समय बाद पूजन के बाद में होली का दहन किया जाएगा। स्वामी शक्ति धरा चलांगुल धरा कुरुवंति नो मंगलम। नमः परमात्मा के ज्येष्ठाय मते घोष माक्रम धावनागम चंद्राय नमः। अग्नि मूर्धा दिवय कुकस्पति प्रत्याम पाकुं रेतागम भौमाय नमः। उद्भूत स्वाग्ने प्रतिजाग्रे विश्वा प्रति सचि समय च बुद्धाय नमः। गौ भैसराजु बलवादि कृपा सुधर विनिधि हितम बृहस्पति नमः। अन्नतो सोम प्रजापति पानम शुक्राय नमः। ओम सन्नो देवी रविष्ठा यहाँ पर भवंतु सर्वंतु नम सिनिश्राय नमः। ओम केतवा कनवन केतवा श्री केतवाय नमः। कया निष्ठान सदा प्रदेश सखा कया श्री विचाति राहु आय नमः। ओम दस्तिकपाल के धुन में कुल देवता धुन में ग्राम देवता धुन में इष्ट देवता धुन में वास्तु देवता धुन में शिव प्राण धुन में लक्ष्मी तम भो वास्तम शंकाधिपति भो नमः। ओम कर्णसी वर्णसी कलसी इंद्रकंठे महाविष्णु अखंड मंडलाकारंति चराचरं विश्वाधार गगनलेशनम मेघवर्णम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी धारं देवी शुभहरणम सर्वलोकेकनाथिकम। पूजा समापन होने के उपरांत पंडित जी द्वारा हमारे सरपंच साहब और अशोक भाई जी सभी को नाल बंधा जा रहा था, जो पूजा में बैठे थे हमने भी नाल बंधवाया। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृहद्वाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति न कार्षो वर्षरेणि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु वै प्रतिदां वै देखधिषुपयो वै स्वस्ति भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ॐ अग्निबुधाय स्वाहा। ॐ बुद्धाय स्वाहा। स्वाहा स्वाहा।
जिस प्रकार हम देख सकते हैं हमारे सरपंच साहब और ये देखिए सभी ग्रामवासी यहाँ पे अग्नि पूजन द्वारा, अग्नि जो कि पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है, इसको अपने अंश का आहुति दे करके पवित्रता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। वैसे भी हमें दैनिक दिनचर्या में हम छोटे छोटे कार्य से पवित्रता और समाज गायत्री मंत्र का उच्चारण करके यहाँ पे हवा के वातावरण को भी शुद्ध किया गया। बहुत ही बेहतरीन पल है। सभी ग्रामवासी होलिका दहन के लिए यहाँ पे कृति श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मौजूद हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी के हाथ में गेहूं की बालियाँ हैं। ये हरी बालियों को थोड़ा सा अग्नि में भूला जाएगा होलिका दहन में और घर ले जाया जाता है, परम्परागत चला आ रहा है। भी सरपंच साहब के छोटे भाई और हमारे खास मित्र प्रवीण भाई साहब साहब को मिलाते हैं जो होली पे पहुंचे। और ये देखिए भाई कुछ कहना चाहते हैं। भाई अपना इसने लाइक और सब्सक्राइब करियो भाई, सारे भाई बहुत थैंक यू भाई। और ये देखिए सारे मैं बहुत अच्छा लग रहा है हमारे गांव की तरफ से, हमारे चैनल को बहुत ही प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। हम ऐसे ही हमारी जो कल्चरल परंपरागत जो ट्रेडिशंस है हम उनको एक्सप्लोर करते रहेंगे। हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें। और यहाँ पे देखिए होलिका दहन के लिए अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। सभी अपने अपने घर से लाए गेहूँ की बालियों से हमारे जिला प्रशासन भाई साहब के द्वारा हमारे होलिका का बहुत ही अच्छा समापन किया गया। हम उनका तहे दिल से आभार करते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर में पूरी तरह से होलिका आग में प्रज्वलित हो जाएगी। आपको सीन्स दिखाते हैं, इसमें पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है, ये देख सकते हैं। देखिए अग्नि बढ़ती जा रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए सभी ग्रामवासी कितने आनंदित हैं, अपने अपने गेहूँ की बालियाँ सेक रहे हैं और ये सभी कितने प्रसन्न हैं। अग्नि भी देखिए लपटें तेज होती जा रही हैं और कितनी तेज़ी से प्रज्वलित हो रही है। सभी को यहाँ पे एक साथ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। फाइनली हमने बहुत कोशिश की पूरा कवर करके हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को आप तक पहुंचाने की। ये देखिए हमारे गांव में किस तरह से सभी लोग इकट्ठे होकर होली का दहन करते हैं। और ये देखिए एक नारियल के गेंद की तरह एक आगने के ऊपर से उछाल कर कैच करने का प्रयास करके खेल भी रहे हैं। फाइनली ये होलिका दहन का डे वन था होली का। कल दुलंडी के साथ हम पूरे गाँव में होली के कलर से खेलेंगे। हमसे जुड़े रहें और हमारे अगले ब्लॉग का वेट करते रहें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। हम बहुत ही मेहनत से आप तक ये वीडियो शूट करके पहुंचाते हैं, हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अभी पूरा दिल करके बिल्कुल शांत हो चुकी है होली का, और चलिए चलने का समय हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, मिले हमसे ऐसे।